नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी, इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ये हमारी एमसीक्यूज की सीरीज होने वाली है एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए। आपकी एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाली है अक्टूबर में, तो उसके लिए हम ये सीरीज ले रहे हैं एमसीक्यूज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स कॉल्ड एज। तो साइंस के ब्रांच जो कि किससे डील करती है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स की स्टडी हम जिसमें करते हैं, ऐसे साइंस की ब्रांच उसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए फार्माकोलॉजी, बी फार्माकोजेनेटिक, सी फार्माकोग्नोसी, डी फार्माकोकाइनेटिक। तो हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी कहाँ पर करते हैं, प्लांट्स की स्टडी। क्रूड ड्रग्स मतलब जो प्योर फॉर्म में ड्रग होते हैं उसकी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, फार्माकोग्नोसी में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा फार्माकोग्नोसी, ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, द साइंटिस्ट हु यूज द टर्म फार्माकोग्नोसी फर्स्ट वॉज। तो ऐसा साइंटिस्ट जिसने पहले, सबसे पहले फार्माकोग्नोसी ये टर्म यूज किया था, वो साइंटिस्ट कौन था, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सिडलर, बी एरिस्टोटल, सी हिप्पोक्रेट्स, डी थियोफ्रास्टस। तो जो साइंटिस्ट जिसने फार्माकोग्नोसी ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था वो था सिडलर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिडलर। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, सिडलर वॉज एन। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, उसमें से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ए अमेरिकन साइंटिस्ट, बी जर्मन साइंटिस्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो सिडलर ये कौन था, मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था कि क्या था, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो सिडलर ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, फार्माकोग्नोसी डिराइव फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। फार्माकोग्नोसी 2 लैटिन वर्ड्स से डिराइव किए गए हैं। ऑप्शंस में हमें वो 2 वर्ड दिए गए हैं, तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, उनमें से सही एक है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए फार्मा एंड कॉग्नोसी, बी फार्मा एंड फार्मा, सी फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से ऐसे 2 लैटिन वर्ड्स है जो कि फार्माकोग्नोसी ये वर्ड बनाते हैं, फार्माकोग्नोसी उन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो कौन से ऐसे 2 वर्ड है, फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को। फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को ये लैटिन वर्ड्स है, इनसे मिलके फार्माकोग्नोसी ये वर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर यूज टू स्टडी फार्माकोग्नोसी। तो हमें ऑप्शंस में कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो उन पैरामीटर्स में से कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि फार्माकोग्नोसी को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए फैमिली, बी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, सी थेरेप्टिक यूज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो फार्माकोग्नोसी को स्टडी करने के लिए हम इनमें से कौन से पैरामीटर यूज करते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो फैमिली, जब हम फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं, क्रूड ड्रग्स के बारे में, प्लांट से जो बने हुए होते हैं, प्योर क्रूड ड्रग्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्लांट होता है जिससे ड्रग बनता है उसकी फैमिली भी देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज भी करते हैं, जो प्लांट होता है उसके लीव्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं, रूट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ब्रांच से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसके थेराप्टिक यूज क्या है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों पैरामीटर्स हम यूज करते हैं फार्माकोग्नोसी की स्टडी करते समय। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द हिस्टोलॉजिकल टिश्यू एंड सेल कंटेंट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ऑप्शंस में एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हमें आइडिया मिलता है, किससे रिलेटेड, अबाउट द हिस्टोलॉजिकल टिश्यू एंड सेल कंटेंट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट में, चाहे लीव्स हो, चाहे ब्रांच हो, चाहे रूट हो, चाहे फ्रूट हो।
तो एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है प्लांट का, उसमें कौन से सेल कंटेंट, उसका सेल कंटेंट क्या है, उसकी हिस्टोलॉजिकल टिश्यू, उससे रिलेटेड हमें ये पैरामीटर आइडिया देता है। तो ये पैरामीटर कौन सा है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस दिए हैं, ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बी थेराप्टिक यूज, सी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम क्या देखते हैं, जो प्लांट है उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उसके पत्ते कैसे हैं, उसका फूल किस तरीके का है, ब्रांचेस देखते हैं, लीव्स देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं। तो ये होगी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। देन नेक्स्ट है थेराप्टिक यूज। थेराप्टिक यूज मतलब उसमें क्या कंटेंट है, वो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। देन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, जो भी प्लांट है, जैसे हमने प्लांट का लीव्स ले लिया, तो उस लीव्स के जो सेल्स है वो किस तरीके के है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उस सेल में कंटेंट क्या है, ये सारी चीजें हम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में देखते हैं। और क्वेश्चन में भी हमें ये बताया गया है कि ऐसा पैरामीटर है जो कि हमें आइडिया देता है किससे रिलेटेड, हिस्टोलॉजिकल टिश्यू और सेल कंटेंट के रिलेटेड, जो कि पर्टिकुलर पार्ट में, प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो ये पैरामीटर कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू टिश्यू किस तरीके का होता है, सेल कंटेंट क्या होता है किसी भी लीव्स का या फिर ब्रांच का किसी भी प्लांट के, तो ये हमें पता चलता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7-, डील्स मोस्टली विथ प्लांट्स। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि डील करती है मोस्टली विथ प्लांट, प्लांट के साथ ही ज्यादातर डील करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए सुश्रुता संहिता, बी चारक संहिता, सी बोथ, डी नन। तो सुश्रुता संहिता, चारक संहिता, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन से ऐसी चीज है जो कि प्लांट के साथ मोस्टली डील करती है। तो जो चारक संहिता होती है वो प्लांट के साथ डील करती है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चारक संहिता। चारक संहिता डील्स मोस्टली विथ प्लांट्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8, सुश्रुता संहिता डील्स विथ। सुश्रुता संहिता किससे डील करती है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्लांट, बी सर्जरी, सी सेल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। अब प्लांट्स हमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, पर प्लांट्स जो है वो चारक संहिता में दिए रहते हैं, चारक संहिता में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सुश्रुता संहिता के बारे में पूछा गया है, तो जो सुश्रुता संहिता होती है वो सर्जरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है, ये मोस्टली डील करती है सर्जरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जरी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन किनको कहा जाता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए हिपोक्रेट्स, बी थियोफ्रास्टस, सी एरिस्टोटल, डी गैलेन। तो यहाँ पर तो ऑप्शंस में से किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10, हु रोट 37th वॉल्यूम ऑफ नेचुरल क्रूड ड्रग। जो 37th वॉल्यूम है नेचुरल क्रूड ड्रग का वो किसने लिखा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए गैलेन, बी प्लीनी, सी ली पैरी, डी बर्ग। तो जो 37th वॉल्यूम है नेचुरल क्रूड ड्रग का वो किसने लिखा है, प्लीनी ने लिखा है, किसने लिखा है, प्लीनी ने लिखा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीनी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 11, हु रोट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम किसने लिखा है ये यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए हिपोक्रेट्स, बी एरिस्टोटल, सी थियोफ्रास्टस, डी बर्ग। तो इनमें से एनिमल किंगडम किसने लिखा है, तो एनिमल किंगडम किसने लिखा है, एरिस्टोटल में, एरिस्टोटल ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 12, हु रोट प्लांट किंगडम। अब हमने एनिमल किंगडम के बारे में देखा, एनिमल किंगडम ये तो एरिस्टोटल ने लिखा था, अब प्लांट किंगडम किसने लिखा है ये यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एरिस्टोटल, बी थियोफ्रास्टस, सी बर्ग, डी डायस्क्राइड्स।
तो इनमें से किसने प्लांट किंगडम लिखा था? तो एरिस्टोटल ने तो एनिमल किंगडम लिखा था, तो एरिस्टोटल का ही स्टूडेंट कौन था? थियोफ्रास्टस, इसने प्लांट किंगडम लिखा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रास्टस। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, हु रोट द एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग? एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग ये किसने लिखा था? ये यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बर्ग, बी ग्रीनिश, सी प्लीनी, डी लिमेरी। तो जो क्रूड ड्रग का एनाटॉमिकल एटलस है वो बर्ग ने लिखा था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ग। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14, हु एक्सट्रैक्ट अल्कलॉइड नार्कोटिन फ्रॉम ओपियम? तो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ओपियम से जो अल्कलॉइड है वो एक्सट्रैक्ट किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए प्लीनी, बी गैलेन, सी डेरोसिन, डी हिपोक्रेट्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ओपियम से अल्कलॉइड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था? तो आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, डेरोसिन। डेरोसिन ने ओपियम से अल्कलॉइड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 15, हु आइसोलेट मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम? तो ओपियम से मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया था? ये यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए डेरोसिन, बी प्लीनी, सी ली मैरी, डी सर्चुनर। तो इनमें से किसने ओपियम से मॉर्फिन आइसोलेट किया था? तो डेरोसिन ने क्या किया था? डेरोसिन ने तो अल्कलाइड का एक्सट्रैक्शन किया था ओपियम से। प्लीनी ने 37वां वॉल्यूम लिखा था क्रूड ड्रग का। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है सर्चुनर, ऑप्शन नंबर डी, सर्चुनर। सर्चुनर ने मॉर्फिन आइसोलेट किया था ओपियम से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16, विच टर्म यूज फॉर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी इन 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था? ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मटेरिया मेडिका, बी फार्माकोन, सी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, डी नन। तो जो फार्माकोग्नोसी है ये नाम पढ़ने से पहले, फार्माकोग्नोसी ये नाम पढ़ने से पहले फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट को कौन से नाम से जाना जाता था 19th सेंचुरी में? तो आपका जो सही आंसर है वो है मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका ये वर्ड यूज किया जाता था फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर है मटेरिया मेडिका, ये फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाने वाला वर्ड था 19th सेंचुरी में। फार्माकोन ये तो एक लैटिन वर्ड है जिससे फार्माकोग्नोसी ये वर्ड बना हुआ है। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका ये क्या है? ये बुक है, ये सिडलर की बुक है। इसी के थ्रू सिडलर ने फार्माकोग्नोसी ये वर्ड फर्स्ट यूज किया था, फर्स्टली सबसे पहले इसी बुक के थ्रू फार्माकोग्नोसी ये वर्ड यूज किया था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मटेरिया मेडिका। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17, आइसोलेशन ऑफ विच ड्रग डन बाय विलियम फ्लेमिंग इन 1928? तो 1928 में जो विलियम फ्लेमिंग है उन्होंने कौन से ड्रग का आइसोलेशन किया था? ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मॉर्फिन, बी अल्कलॉइड्स, डी पेनिसिलिन, सी पेनिसिलिन, डी रिजरपाइन। तो जो विलियम फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन का आइसोलेशन किया था। सबसे पहले विलियम फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन का आइसोलेशन किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, रिजरपाइन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम? रिजरपाइन ये ड्रग किससे आइसोलेट किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रोवोल्फिया लीव्स, बी रोवोल्फिया ब्रांचेस, सी रोवोल्फिया रूट्स, डी रोवोल्फिया स्टेम। तो इनमें से कौन से पार्ट से, जो रोवोल्फिया है उसके कौन से पार्ट से रिजरपाइन आइसोलेट किया गया है? तो रोवोल्फिया के रूट से रिजरपाइन ये ड्रग आइसोलेट किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रोवोल्फिया रूट्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 19, विनक्रिस्टिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ? विनक्रिस्टिन ये एक ड्रग है जो कि यूज किया जाता है, किसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूजफुल होता है? विनक्रिस्टिन ये एक ड्रग है
तो ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं ए हाइपरटेंशन, बी एनीमिया, सी ल्यूकेमिया, डी नन। तो विनक्रिस्टिन ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस में से देखिए, ऑप्शंस में से ऐसी कंडीशन कौन सी है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है, तो इसको ट्रीट करने के लिए विनक्रिस्टिन ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिया। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स डिस्क्राइब बाय डायस्कोराइड्स। तो हमें ऑप्शंस में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन से मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो डायस्कोराइड ने डिस्क्राइब किए हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए बेलाडोना, बी ओपियम, सी एरगॉट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो डायस्कोराइड है उसने जो नार्कोटिक ड्रग है ऐसे ड्रग्स को, ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्क्राइब किया है, बेलाडोना, ओपियम, एरगॉट। ये तीनों यहाँ पर आपके आंसर सही है, क्योंकि ये तीनों मेडिसिनल प्लांट्स जो है ये डायस्कोराइड ने ही डिस्क्राइब किए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 21, ग्रोथ ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय। तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो किससे अफेक्टेड होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए अल्टीट्यूड, बी फर्टिलाइजर, सी रेनफॉल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शंस देखिए, अल्टीट्यूड की वजह से भी प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है, फर्टिलाइजर की वजह से भी प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है, और रेनफॉल की वजह से भी प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। तीनों आपके ऑप्शंस सही है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन हैविंग डैश प्रॉपर्टी। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो हमने अभी देखा विनक्रिस्टिन ये एंटी कैंसर मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस में ए एंटी हिस्टामिनिक, बी एंटी मलेरियल, सी एंटी कैंसर, डी एंटी अल्सर। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी कैंसर। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज थे। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।